हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग से। अब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे दोनों वीडियो मतलब फ़ोन में टीवी में वो देख रहे थे, तो दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है। यहाँ पे देखो कैसे लड़ते हैं दोनों। तो गाइज, मैंने ये कुछ पार्सल मंगाया है, तो आप देखिए आगे आपको मतलब क्या मंगाया है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैंने ना इसको राशि डेडार के पास देखा था, तो मुझे लगा कि भाई मतलब मैं भी क्यों ना ऐसा ऑर्डर करूँ। तो ये फाइनली आपको दिख गया, ये लाइटर है। तो मैं इस लाइटर को यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए ये मुझे देखने मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। 187 का मुझे ये पड़ा है, मेरी मतलब डिलीवरी चार्ज बार सब कुछ लगा के, तो ये 187 का पड़ा है। ये इसकी खास बात ये कि लॉक भी हो जाता है, कि बच्चे अगर ना जला पाए तो वो भी हो सकता है। तो अभी हमें चलाना नहीं आ रहा, तो हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कैसे चलेगा ये। तो क्योंकि ये लॉक भी हो जाता है, तो इसको लॉक यहाँ से लॉक हो जाएगा और यहीं से ये ऑन हो जाता है, ये बटन है। तो यहाँ से फिर हम इसको नीचे को प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने के बाद ये जलेगा, इसमें से आग निकलती है। तो आप देखिए अभी इसमें से मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी जैसे फर्स्ट टाइम आया तो मुझे थोड़ा मतलब हो नहीं रहा। एक तो पंखा चल रहा था यहाँ पर, तो पंखा चल रहा है तो हम पहले पंखा बंद करेंगे। अब मोहित ने पंखा बंद कर दिया है, तो अब मैं इसको चलाऊँगी। तो इसका रिज़ल्ट जो आप देखोगे ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ही है। तो फाइनली मैंने ये मंगा ही लिया। तो देखिए मैं आपको जला के दिखाती हूँ। मुझे देखो ये जल गया ना, ये मतलब इसकी जो ये फ्लेम है ना, इसको आप लो भी कर सकते हो और हाई भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज है सोमवार, तो सावन का पहला सोमवार है। तो मैं किसी कारण नहीं जा पाई मंदिर, तो बच्चे गए थे मंदिर। तो देखिए यहाँ पे बच्चों की कुछ वीडियोस हैं जो बच्चों ने बनाई थी, ब्लॉग छोटा सा, कि चलो हम बना लेते हैं मम्मा छोटा सा ब्लॉग। तो ये वहाँ का है, हमारे भोले बाबा ये बैठे। तो आप भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। वैसे एक्चुअली आप मुझे एक बात बताना, कि जैसे अब यहाँ पे हमारे इस भोले बाबा पे है ना, कोई पंडित नहीं बैठता हमारे यहाँ पे इस मंदिर में है ना, कोई मतलब वो नहीं है, बोलते हैं ना पंडित वगैरह, तो पंडित नहीं है। तो यहाँ पे जैसे फल फ्रूट चढ़ाते हैं ना भोले बाबा पे, या किसी भी मंदिर यहाँ पे और भी पास में, जैसे बाबा मंगलदास हैं या कृष्णा जी की भी मतलब मंदिर है, इसी में ही भवन है छोटा सा यहीं पर, तो वो प्रसाद देने के लिए कोई नहीं होता। तो मैं क्या काम करती हूँ, तो मैं ये काम करती हूँ कि जो प्रसाद चढ़ाते हैं ना, मतलब जैसे अभी इन्होंने केला चढ़ा दिया और मैं नहीं चढ़ा रही, तो मैं अपना पूजा करके और मैं वहाँ से कुछ फ्रूट उठा के अपने मतलब प्रसाद के तौर पे मैं अपने घर पे लेके आ जाती हूँ। तो क्या मैं ऐसा करती हूँ, तो वो सही है या गलत है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता। कि मुझे ऐसे लगता है कि भाई भोले बाबा का प्रसाद होना चाहिए, हम घर पे ले जाएं तो वो अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि हम हमारा फास्ट है आज। अब मैं तो कभी भी मंदिर जाती हूँ ना, मुझे भोले बाबा के पास कोई फ्रूट रखा मिलता है ना, तो मैं वो हमेशा लेके आती हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही प्रसाद दिया है। भाई देखो पंडित होता तो वो भी वहाँ से उठा के देता, अब पंडित वगैरह नहीं है वहाँ पे, तो ये तो आप बताएं मुझे, मैं क्या सही करती हूँ गलत करती हूँ, कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते। और यह बाकी थोड़ा सा दूर चल के बाबा लटूरिया के पास पे सारे मंदिर है छोटे मोटे, जैसे शनिदेव हो, मतलब छोटे छोटे यहीं पे ही पूरा सब का बना रखा है यहीं पे ही। तो ये खोले वाले बाबा है, साईं बाबा है, और ये थोड़ा सा दूर यहाँ पे मैदान है, चल के यहीं पास में ही है सब मंदिर। थोड़ा हमारे यहाँ पे मंदिर थोड़ी ज़्यादा हैं, ये सारे मंदिर यहाँ पे दूसरे भोले बाबा हैं। तो मेगा उनको जल चढ़ा रही है, दूध चढ़ा रही है, तो इसका भी मेगा का भी फास्ट था ना आज, तो इस वजह से बच्चों ने भी फास्ट रख लिया इसका। इसने तो फर्स्ट टाइम रखा है कि चलो मम्मा मैं भी रख लेती हूँ। तो चलिए फाइनली देखिए दोस्तों, ये मेरा भाई कावर लेने गया है, तो कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियो वहाँ से भेजी है,
तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भोले बाबा के दर्शन करा देती हूँ। देखिए मेरा भाई अब कांवड़ लेने गया है, तो वो भी तो भोले बाबा ही का ही रूप हो गया। कांवड़ियों को भोले बाबा का नाम बोलते हैं ना, जय भोले जय भोले। तो ये मेरा भाई है, देखो हरिद्वार में बारिश का मौज, बारिश पड़ रही है तो उसके बारे में बता रहा है भाई। और मौज मस्ती में फुल हमारा भाई मौज में रहता है पूरा। तो मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ा सा वहाँ का टूर दिखा देती हूँ। भाई ने हरिद्वार से आगे पार कर लिया है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, और फ़िलहाल सब ठीक ठाक चल रहा है। देखिए क्या मस्त चल रहा है, इसको मतलब फुल मस्त रहता है, ये किसी चीज़ की टेंशन नहीं, बढ़िया अपना मस्त ज़िंदगी है। मतलब दुनियादारी एक तरफ, अपनी मौज मस्ती एक तरफ, फुल मस्ती में भोले बाबा हमारे जा रहे हैं देखिए। और बस अब जल चढ़ेगा ना जिस दिन, तो मैं जाऊंगी टीका करने के लिए। जैसे आपने पहले वीडियो देखी होगी मेरी, तो मैं वहाँ पे टीका करने गई थी। तो अब मैं दोबारा जब भाई आ जाएगा तो मैं वापस टीका करूँगी, तब भाई अंदर जाएगा। क्योंकि बहन जब टीका करती है तो फिर दोबारा बहन को जाना होता है, तो ये ज़रूरी होता है। तो हमारे वहाँ तो ऐसा होता है कि बहन मतलब करती है टीका, भाई जाता है जब भी और आता है तब भी। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसा भी होता हो तो प्लीज़ इस पर भी कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ जी ऐसा होता है। तो और देखिए ये सब भीड़ वहाँ पे, मतलब भंडारे हो रहे हैं, भंडारे वगैरह दिखा रहे थे वहाँ के भाई। तो फिर से ये बच्चे अपना वीडियो में लग गए हैं, देखिए कैसे वीडियो बना रहे हैं। मतलब अब मुझे तो ये टाइम नहीं मिल पाता व्लॉगिंग करने का। तो अब जैसे कि आपको पता है सोमवार का व्रत था, तो अब ये सोमवार के उसी दिन किया, बीच में मैंने भोले बाबा जी दिखा दिए आपको, तो मुझे लगा कि चलो पहले बीच में भोले बाबा जी को दिखा देती हूँ। तो सुबह हो चुकी है और मैं नहा ली हूँ, मैंने नहा धो के अपने कान्हा जी की पूजा कर लिया, तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। तो ये उसे मैनेज करना होता है। तो फ्रेंड देखो मेरे कान्हा जी नहा के धो के तैयार होके बैठ गए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भूमि के ऊपर महाकाल, वो भी गोपी चंदन से। इसमें हम थोड़ा पानी लगाएंगे, इसको ऐसे करेंगे और फिर मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तू कैसे आ जाएगी? मैं आई भूमि दिखा, अरे ऐसे बना, ऐसे बना मेरी। बनाई थी वीडियो। इसको हम ऐसे करके बाल पीछे कर। गाइस इसके माथे पे ना थोड़े ज़्यादा बाल है, तो इसलिए थोड़ा कम ही लगेगा। तो फाइनली ये लग चुका है और मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं देखूँ कि मैंने कैसा लगाया। पहली बार लगा रही हूँ वैसे मैं ये महाकाल का। तो अभी ये सूख जाएगा तब ज़्यादा दिखेगा। मेरी उंगली थोड़ी सी खराब है। मेरी उंगली कट जाती है अभी। कैसा लग रहा है? अभी नहीं लगा ज्यादा। सूख जाएगा ना, सूख के दिखेगा। दिख नहीं रहा पर इस। हाथ
वो गौतम तू क्या करेगी? ओ बेटे अच्छा लग रहा है ना, कर दे बंदा। और देखो मैंने कितना अच्छा महाकाल का बनाया, आज इसका पहला सोमवार का व्रत है ना, इसलिए और मेरा भी। तो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो, उस पर ज़्यादा बोलना ना आता, सॉरी। 미시코 देखो। तो गाइस हम जा रहे हैं दीदी की शॉप पे, हमारी दीदी ने ना नई शॉप खोली है कपड़ों की, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नई शॉप। गाइस हम जा रहे हैं, आपको सूट दिखाएंगे कैसे कैसे सूट लेके आई दीदी। देखो गाइस कितनी तेज धूप है, और वैसे न्यूज पे आ रहा है रात दिन की बारिश का मौसम रहेगा बहुत ज्यादा। तो देखो गाइस हम आ चुके हैं दीदी की शॉप पे, ये पार्टनरशिप में है, नहीं वो कान चिपकाते हैं। तो गाइज हम कान चिपकवाने की बात कर रहे हैं, जिनके कान कट जाते हैं बड़े, मतलब छेद बड़े हो जाते हैं ना पहनने के, तो उसके बारे में बात करते हैं कर रहे हैं, मतलब कमला नगर मार्केट में होता है, तो देखते हैं वहाँ पे जाएंगे क्या पता चलेगी। कुछ भी ना पता चलता, ऐसा लगेगा या दीदी ने दुकान खोली हमारी ना, ये सारे सूट है बेचने को, जिसको चाहिए आ जाओ। और है ना देखो भाई हमारी दीदी ने नई दुकान खोली है, शॉप खोली है अच्छे अच्छे सूटों की, यहाँ पे ड्रेस भी है देखो, ठीक है। ये हमारे सारे संध्या की ड्रेस कलेक्शन है, और आपको अगर चाहिए यहाँ पे सिली सिलाई ड्रेस भी मिलती है, और अगर आपको चाहिए तो आप आके बाय कर सकते हो। तो संध्या मैडम भी आ चुकी हैं, और ये ओहो ओहो कर रही हैं, बोलो। मैंने आपकी शॉप का भी वो कर दिया है, क्या कहते हैं इसको, प्रमोशन कर दिया है, और दीदी का भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप आ जाना, और सोमवार को पड़ता है आज हमारा सबका। क्यों तेरा क्यों ना है, वो भूखी ना रह जाता, भूखी ना रह जाता तो व्रत रखना चाहिए ना, खाली पेट नहीं रह जाता, ये बोलो भूखी ना रह जा, एक ही बात होगी। नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा इंग्लिश मीडियम बने, ज्यादा नहीं बन रही ना, देखो गाइस मेरे लिए ऐसे बोलते हैं। मुझे गाली देनी नहीं आती, मैं सीधी, मतलब मैं बहुत सीधी लड़की हूँ, मतलब सीधी लेडी हूँ, मुझे गाली देनी नहीं आती, ये तो ऐसी बकवास कर रही है मार दीदी। 3000 की स्कर्ट आपको अगर चाहिए तो देखो मैं दिखाती हूँ, ये 3000 की स्कर्ट है, अगर आपको चाहिए राखी दिखाइयो, इसकी स्टिचिंग ही 25,000 का इसका, 500 का इसका फैब्रिक है, और फुल फ्लेयर इसका घेर है, और इसमें लड्डू भी लटक रहा है, ये रहा लड्डू, और ये लड्डू के ये पूरा आपको पड़ेगा 3000 का। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, पूजा का नाम लेके आओगे तो डिस्काउंट, अगर मेरा नाम लेके आओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। देखो गाइस हम यहाँ पे है ना वो कर रहे हैं सूट पहना के, और फिर हम बाहर को डमी को लगाएंगे, लाओ दीदी हेलो, मुझे लगा हेलो, इसी को लगाते हैं, ये वाला इसको लगा दूं, इस पे डमी पे डमी कपड़ा के साथ करना, दीदी बोल रही है, आपने बोली थी डमी पे लगाने के लिए, दीदी ज्यादा लगाना नहीं लगाना, अरे लगा देंगे बकवास करे तो, है तो लगाना है ना, लगा किसी का भी लगा दो, क्या कर जब भी
चलो भाई लाली बाहर को, मेरी कमर दर्द है लाली, बाहर को जाना है आपको। इस सूट को देख के लोग इसको खरीदने आएंगे। देखो भाई नई न्यू शॉप खुली है तो हमें थोड़ा सा देखो गाइज हमने कितना स्ट्रगल करा है, हमारी कमर टूट गई इसको पहनाने में सूट। और यहाँ सूट जो पहरा रखो किसने पहराया, पतली सी कमर टूट गई, ये पतली सी कमर मेरी टूट गई, कमर ना ये कमरा कमरा ये कमरा टूट गया। नहीं मुझे ये बता सही में, मजाक ना कर रही मैं, जो सूट यहाँ पहरा रखा हो किसने पहराया, हम पे उतरा ही ना हो नीलम। हाँ सो गाइस चाय पी लो अब, हमारा देखो हम चाय थक गए। अरे तो रुको तो सही में व्लॉग बना रही कटोरी में चाय कौन कौन पीता है कमेंट में जरूर बताएं। रोज आए करो सही में, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। एक मिनट सब पकड़ना ये देखो बच्चा बांधने, बच्चा बांध के आज मजा आ गया, आज का व्लॉग पूरा हुआ। घर का एक थोड़ी रहेगी, 20 मेंबर रुक यहां, कौन बैठाएगी, 20 ना कोई भी। फ्रेंड आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, इस अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें सब्सक्राइब करें। और गंजा के टूट भी बोलता है कल जाएगा तेरे से, मैंने तो नहीं दे रही है वैसे। भूमि ने तो बहुत अच्छा लगा, वो भी है ऐसा अच्छा लग रहा है। तो गाइस चलो बाय, हम जा रहे घर पे, हम जा रहे घर क्योंकि बारिश आ गई तो हमें घर जाना है। शॉप की हमने ओपनिंग कर दी, जो मेरे चैनल पे नए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और लाइक कर देना जो भी कुछ करना है।